डीजियाना न्यूज में मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों पर। शहर के हनुमान चौराहा पर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने मंदसौर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी और सरकार को लोकतंत्र की हत्यारी सरकार करार दिया। शिवराज सरकार के इस्तीफे की मांग की। भगवान का मेरा कोई भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्ता के बगैर सत्ता नहीं मिलता है। सत्ता लाओ मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, तब ये किसान भाइयों का और मजदूरों का पता होगा, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी किसानों। आज तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की मांगों के समर्थन के लिए जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी बर्खास्ती के लिए किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जो है किसानों के साथ भारी अत्याचार कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि जो है माननीय राज्यपाल महोदय से सरकार को बर्खास्त किया जाए और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू करें। क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी इतने दिन बाद जागी है गुना में? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई प्रदर्शन वगैरह कुछ नहीं करा, क्या कारण है? नहीं नहीं, एक्चुअल हम लोग पहले भी पत्र के माध्यम से अपनी बात प्रशासन को पहुँचा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद जागी थी। हमारी माननीय बहन जी ने दिल्ली में पूर्व में जो है ज्ञापन दी है, इसके बाद प्रदेश में हमारे लीडरों ने ज्ञापन दी है। आज क्रमबद्ध तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। शिवराज सिंह द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत स्पेशल ट्रेन आज गुना पहुंची, जहां से रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा के लिए इसमें 270 यात्री रवाना हुए, इनका विधायक पन्नालाल साक ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के क्रम में गुना से 270 यात्री रवाना होने वाले हैं। अभी कहाँ से कहाँ तक की यात्रा? गुना से रामेश्वर। कितने दिन की? 6 दिन, 14 से 19। जिस काम में उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल निकाल दिए हों, अब उसी काम से उन लोगों को निकाल दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे के रिटर्निंग रूम में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों की, जिनमें से एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन नए ठेकेदार ने इन्हें काम से निकालने की बात कही है। मामला ये है, अभी गनवा रनिंग रूम का कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ है, नए कॉन्ट्रैक्टर को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने 1 जून से पुरानी जो लेबर वहाँ काम करती थी उससे काम कंटिन्यू कराया, इस आश्वासन के साथ कि मैं सभी वर्कर्स को रखूँगा और निर्धारित जो वेतन रेलवे से मुझे मिल रहा है वो आपको दूंगा, जैसा कि पहले मिलता आ रहा था पुराने कॉन्ट्रैक्टर के तहत। अब 13 दिन काम करने के बाद कल शाम को उसने अपने कुछ लोगों को जो कम पैसे में तैयार हो गए, 3,000, 4,000, 5,000 तक के, और इनको कल शाम को एक लाइन का अल्टीमेटम दिया कि 4,000-5,000 में काम करने वाले अंदर आ जाएं, बाकी लोग बाहर जाएं। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ है, वो जो बात हुई है आपसे, वो पैसे देने का आपने कमिटमेंट किया था, हम काम करेंगे, तो बोले तो बाहर निकल जाओ। सारे लोगों को कल से बाहर कर दिया। पूरे 40-42 लोगों के परिवार पर भारी संकट आ खड़ा हुआ है। एक साथ बाहर करना ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है। कॉन्ट्रैक्टर बेईमान है, अपना फ़ायदा देखने के लिए इनके परिवारों से और इनकी इनके किस्मत से और इनके भुखमरी के कगार पर खड़े करने का उसने नहीं, जैसे आप यदि वो वापस नहीं लेता तो अपना अगला एक्शन प्लान क्या होगा, क्या करेंगे? हम तो मांग ही करेंगे, आंदोलन करेंगे, डिमांड करेंगे, श्रम मंत्रालय से बात करेंगे, जो भी इनके हक में है, इनका जो जायज़ हक है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
आज हमने कलेक्टर महोदय को इसी को लेकर के ज्ञापन दिया है, रेलवे अधिकारियों को दिया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर संघ के हमारे जो लीडर्स हैं उनको कहा है, रेलवे अधिकारियों को कहा है, कल रनिंग रूम में जाकर के हमने वहाँ जो इंचार्ज था उससे बात की है। ये सारी चीज़ें हम अपनी मांग को रखते हुए अपना काम कर रहे हैं और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो हमें मिलेंगी। इस रनिंग रूम की ये खासियत है, पूरे जोन के अंदर सबसे बेहतर रनिंग रूम है इस इन कर्मचारियों की बदौलत, और इस रनिंग रूम को महाप्रबंधक महोदय का पुरस्कार मिला इस बार, तो इससे ये तो साबित होता है ये बहुत अच्छे वर्कर हैं और 20 साल से इस रनिंग रूम की सेवा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर 4-5 बदले हैं और सब जगह यही स्थिति है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने फायदे के लिए किसी की किस्मत से खिलवाड़ करेगा तो चुप तो नहीं बैठा जाएगा। अब जो नए कर्मचारी आए हैं उनसे आपकी बात हुई? नए कर्मचारी आए हैं उनसे हमें नहीं मिलने दिया गया, वो नए कर्मचारी असंवैधानिक हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, उनका कोई मेडिकल नहीं है, वो अनऑथराइज काम कर रहे हैं और जो रेलवे का सुपरवाइजर अधिकारी करा रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है, वो भी गलत कर रहा है। डीआरएम लेवल पे इसकी शिकायत, डीआरएम साहब को इसकी शिकायत पहुंच चुकी है, उनसे उम्मीद है कि कोई इसका समाधान जरूर निकलेगा, क्योंकि ये गुना नगर के वासी हैं, गुना नगर के मुताबिक कलेक्टर महोदय के परिषद में काम करते हैं, कलेक्टर महोदय को इसका आवेदन देना आवश्यक है और हमें उम्मीद है कलेक्टर महोदय इसमें हस्तक्षेप करते हुए इनको न्याय दिलाएंगे। ब्राह्मण समाज और समाज के जुड़े अन्य संगठनों ने एक निजी कार्यक्रम के तहत समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया, इसके साथ ही इनके माता पिता का भी समाज जनों ने सम्मान किया है। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक, गिरिराज भार्गव, अरुण चतुर्वेदी आदि शामिल हुए। ये वो लोग हैं जो हमेशा समाज को देते रहते हैं और उन्होंने वहीं से देना प्रारंभ कर दिया। एसयूसीआई ने मंदसौर में पुलिस गोलीकांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उसे किसान विरोधी बताया। से बहुत पीड़ा हो रही है, मैं किसानों का दुख देख नहीं सकता, इसलिए उनके लिए मैं उपवास करना चाहता हूँ। अरे शर्म आने चाहिए, किसान का बेटा कहते हो, समर्थन मूल्य जो तय किया जाए उस पर फसल के दाम देना चाहिए, चेक से भुगतान नहीं किया जाए, नगद भुगतान किया जाना चाहिए, ये तो आप मान रहे हो। मान निकलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा, स्वामी अग्निवेश सहित 20 किसान संगठन के नेता आज पूरे मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसानों पर गोली चालन हुआ था, उसके विरोध में आज किसानों को श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर की जा रही है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। किसान जो मांग कर रहे थे मंदसौर में कि उनकी फसल का वाजिब दाम किसानों को मिलना चाहिए, यहाँ तक कि किसान की जो फसल है उनकी लागत में 50% मुनाफा जोड़ के समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए वो सरकार तय नहीं कर रही। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार पास नहीं कर रही है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की सरकार है, किसान की फसल का समर्थन मूल्य सरकार देगी, लेकिन सरकार चुनने के बाद किसानों की मांग मानने तैयार। हमारे बाजू के राज्य में जाए महाराष्ट्र में किसानों का डूबते हुए किसान, उनकी कर्ज माफी पूरे महाराष्ट्र में की गई, मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान सुनने को तैयार नहीं है। अभी उनके खिलाफ मंदसौर में जब जा रहे थे किसान परिवारों से मिलने के लिए, जिनके परिवार के बच्चे पुलिस की गोली से मारे गए, उन परिवारों से मिलने नहीं दिया। हमारा किसान संगठन केकेएमएस, मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम, पारस सकलेचा, देश के तमाम 20 संगठन के लोग मंदसौर गए, लेकिन मंदसौर में नहीं घुसने दिया गया। कहा गया कि आप वहाँ जाकर उत्पाद मचाएंगे। जितने भी लोग गए थे उनका रिकॉर्ड है कि वो शांति के दूत हैं, वो किसानों को संगठित कर रहे हैं, जायज मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाने दे रहे। शिवराज चौहान कह रहे हैं 2.5 करोड़ का उपवास करते हैं, 2.5 करोड़ का 5 स्टार उपवास कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि वहाँ के मंदसौर के हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य हैं तो दूसरे नेताओं को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? इसीलिए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो किसान शहीद हुए पुलिस की गोली के चलते, उन किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हम मांग भी कर रहे हैं किसी भी जन आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, पुलिस का गोली
संचालन बंद होना चाहिए, साथ में किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उसको सरकार को मानना चाहिए। प्रदेश में किसानों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने अपने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिरफ्तारी पर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया और गुना में सद्बुद्धि यज्ञ करवाया। आज के लिए बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।